प्रश्न है दोस्तों, यदि 5*3=19, 8*5=49, तो 6*4 = क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो प्रश्न समझिएगा, ये आपको देखना है 5*3=19 कैसे लिखा है, 8*5=49 कैसे लिखा है। जैसे लिखा है दोस्तों 6*4 = भी हम वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए तरीका समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये 5 है, फिर क्या है दोस्तों, स्टार है, उसके बाद 3 है, बराबर क्या है 19 है। 5 और 3 को दोस्तों हम क्या करें कि 19 हो जाए, तो 5 से 15 होगा, गुना करेंगे तो ठीक है, जोड़ने पे तो 5 3 8 होगा, अंतर पे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे आसान जो तरीका होगा मैं बता रहा हूं, समझिएगा। ये दोस्तों पहला संख्या क्या है, 5 है ना, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर किए क्या हो गया 25, और 5 और 3 का दोस्तों अंतर क्या होगा बताइए। 5 और 3 का अंतर का मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और गुणे क्या करना है दोस्तों 3, ठीक है ये, और इसको घटा लेना है, ठीक है। 25 में से 2 × 3 यानी 2 × 3 का मतलब 6, 25 में से दोस्तों जब 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सेकंड वाला समझाऊंगा, अभी फिर क्लियर होगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे समझाता हूं, 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का अंतर क्या होगा 2 होगा, और फिर 2 गुने क्या कर लेना है लास्ट वाले संख्या से, 2 × 3, और इसको घटा लेना है, ठीक है। 25 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 19 होगा, ठीक। इसी प्रकार से देखिएगा, ये 8 है ना, 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 64 होगा, और 8 और 5 का अंतर क्या होगा दोस्तों, 8 और 5 का अंतर 3 होगा, और 3 से गुना कर लेंगे ये सेकंड वाले से, 3 × 5, और इसको माइनस कर लेंगे, 64 में से दोस्तों 3 × 5 = 15 घटेगा तो क्या होगा दोस्तों 49 होगा, देखिए 49 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछ रहे उसका भी हम आंसर देंगे, ठीक है। देखिए 6 है ना, ये 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, फिर 6 और 4 का अंतर क्या होगा दोस्तों 2 होगा, फिर गुने क्या करना है लास्ट वाला संख्या 4 से, 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 36 में से दोस्तों जब 8 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 28 होगा, ठीक है। यानी यहां पे बराबर क्या होगा 6*4 का मान क्या होगा 28। 28 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।